भाजपा ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब महाराष्ट्र के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर काफी बदले हुए हैं। वह लगातार कांग्रेस पर आक्रामक हुए जा रहे हैं। करीब 90 दिन तक चुप रहने के बाद सिंधिया का यह बदला तेवर वाकई उनके पुराने रूप को उजागर कर रहा है। वर्चुअल रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा से कुर्सी का मोह रहा है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यहां कई चील बैठे हैं जो मुझे नोचने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेसियों को चेतावनी देते हुए श्रीमंत ने कहा कि कल भी कहा था आज भी कहता हूं कि टाइगर जिंदा है, अब उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले हैं। और सारे मुद्दे, राष्ट्र मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दे, दोनों हमने समक्ष जनता के सामने, हमने सभी जनता के समक्ष हमने रखा है। और असलियत जनता के समक्ष रखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। 24 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्ण रूप से लहराएगा।